हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये सामान देखो आपके पास कितना सारा है। आएगा बड़ा चौहान जी। अच्छा, पोहा भी ला रखा है। चलो ठीक है, ये तो पानी में। ये फ्रेंड्स, यहाँ पे साथ साथ आप खाना भी बन रहा है और अभी थोड़ी देर पहले हस्बैंड जी पहुंच गए हैं। अरे देखिए फ्रेंड्स, थोड़े बहुत मैंने ड्राई फ्रूट्स मंगा रखे थे हस्बैंड जी से। मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं सरिता उत्तराखंड से और आप सभी का अपना चैनल सरिता जौनसारी ब्लॉगर में हार्दिक स्वागत है। और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा, अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं। तो अभी मेरा पूजा पाठ नहीं हो रहा है क्योंकि आजकल ना थोड़ा लेट ही होता है, क्योंकि पानी ठंडा रहता है तो सुबह नहाने के लिए थोड़ी लेट हो जाती है, तो मैं थोड़ा लेट ही नहाती हूँ। तो अब मैं सबसे पहले पूजा पाठ करती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे सामने मैंने लड्डू गोपाल जी की तस्वीर भी लगा रखी यहाँ पे। और आज मेरे हस्बैंड जी भी आने वाले देहरादून से वापस। हाँ, वो भी पहुंच जाएंगे शाम तक। अब देखते कब तक पहुंचते हैं। अभी वो श्रीनगर पहुंच गए हैं तो थोड़ी देर में शाम के टाइम तक वो भी पहुंच जाएंगे, 4:30 बजे तक। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ा बहुत काम निपटा लेती हूँ। काम तो वैसे निपट ही गया, बस थोड़ी पूजा रह गई है और सारा ही काम लगभग निपट गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आप लोगों से बाद में। बाप रे, सामान देखो आपके पास कितना सारा है। कितने का पड़ा चौहान जी? 3600। 3600 का? अच्छा, टच वाला है? टच वाला है। अच्छा, बर्तन तो इसके साथ चले जाएंगे ना? पहले वाले है, टच वाला इंडक्शन है। इसके लिए ला रखा हमने, इसके लिए ला रखा हमने, क्या इसके लिए ला रखा हमने, पान, फ्राई पान। Right, ना ना, वो तो प्रेशर भी दोनों चल जाएंगे, स्टील वाला भी और वो भी, हॉकिंस वाला भी। हॉकिंस वाला चल जाएगा? हाँ हाँ, और वो स्टील वाला भी चल जाएगा। देखते। अच्छा, पोहा भी ला रखा आपने? चलो ठीक है, फ्राई पान। हाँ ठीक है, आपने वो फ्राई पान तो दूसरा वाला फट गया। 650 का पड़ा। चलो इसको चेक किया जाए। कहाँ पे? हाँ, कोने में, यहीं पे। इसका स्विच तो यहीं पे देखना पड़ेगा। वैसे तो यहीं पे भी रख सकते हम। ले, ये तो पानी इसमें। चलो देखते हैं। ये ठीक है, आपने फ्राई पैन लेके आ गए ना, वो पहले वाला फट गया था वैसे भी, उसमें तो आप चाय भी नहीं बना पा रहे थे। ये वाला प्रेशर भी तो चल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे साथ साथ आप खाना भी बन रहा है और अभी थोड़ी देर पहले हस्बैंड जी पहुंच गए हैं। ये वाला भी तो चल जाएगा इसमें, ये वाला प्रेशर, ये वाला तो चल जाएगा, ये वाला स्टील वाला। ये स्टील वाला भी चल जाएगा और ये वाला भी चल जाएगा। ओके वाला, ये फ्राई पैन तो बढ़िया किया आपने। फ्रूट्स मंगा रखे थे हस्बैंड जी से, तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको। दो पैकेट एक खजूर और एक डब्बा एक मियां गोल्ड का, ये भी खजूर ही है इसमें। और एक पैकेट किशमिश,
और एक पैकेट अखरोट और एक सपोला ओट्स और इसके साथ एक ये फ्री में मिला और एक ये पोहे का पैकेट और दो पैकेट मुनक्का और एक पैकेट काजू का और ये दो पैकेट खसखस और एक छोटा पैकेट और एक खसखस और एक पैकेट इलायची का और ये है पकड़, जैसे मतलब हम कढ़ाई वगैरह पकड़ने के लिए, वैसे तो मेरे पास था पर लेकिन हस्बैंड जी लेके आ गए। और एक ये फेस वॉश गार्नियर का और ये तीन का सेट चाकू का लेके आ गए, वैसे तो थे हमारे पास पर लेकिन हस्बैंड जी लेके आ गए, पता नहीं सही रेट में पड़ रहे होंगे तो इसलिए लेके आ गए तीन का सेट। और ये तीन पजामे मेरे को लेके आ गए मोटे वाले, एक ग्रीन कलर में, एक तो ये ग्रीन कलर में लाया और एक ब्लैक कलर में और एक ये वाला, तीन पजामे लेके आ गए मुझे घर पे पहनने के लिए। वैसे मैं मार्केट गई थी करण बाजार में, वहाँ से मैं पजामियाँ लेके आ गई थी, लेगियाँ लेके आई थी, तो फिर ये घर पे पहनने के लिए ये तीन पजामे भी लेके आए मोटे वाले। और ये कुछ अचार वगैरह आ रखा दीदी के घर से, और हाँ दीदी के घर से आ रखी सारी दालें वगैरह अचार वगैरह। और इसमें देखते क्या है, और दीदी के फ्रेंड से आम का अचार है, एक केजी का डब्बा दे रखा है दीदी ने, ये आम का अचार है। और इसमें अखरोट है दीदी की, इसमें अखरोट है और कुछ दालें हैं। और दीदी के फ्रेंड से ना, ये मेरी फ्रेंड के घर से आ रखी है, पूजा के घर से, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है इंद्रा, तो उनके घर से आ रखी है अखरोट और ये ढेर सारी एक थैली भर के दे रखी है। और कुछ राजमा की दाल भी, चलिए मैं इसको खाली कर देती हूँ। और दीदी की फ्रेंड की है राजमा की दाल, ये भी घर की पहाड़ी राजमा की दाल है, चक्राता की राजमा। और ये दीदी के घर से रखा है, देखिए फ्रेंड से दीदी के घर से आ रखी है और ये मेरे फ्रेंड के यहाँ से आ रखी है राजमा की दाल, दो डब्बे दालों के हुके। और देखिए फ्रेंड्स ये है उड़द की दाल और ये राजमा की दाल और ये भी राजमा की दाल और ये अचार और ये अखरोट। और अब हो गया है रात का टाइम, तो अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज रात को बना रही हूँ मैं पनीर। तो पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में कढ़ाई ले ली थी, कढ़ाई गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पे सरसों का तेल ले लिया था और उसमें थोड़ा सा जीरा डाला और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज अच्छे से भून लिए है और उसके बाद मैं इसमें काजू डाल दूँगी, थोड़े से मैंने काजू ले लिए है। और उसके बाद जब ये काजू और प्याज अच्छे से भुन जाएंगे उसके बाद मैं इसमें टमाटर मिक्स कर दूँगी और जब ये अच्छे से मिक्स कर दूँगी और जब ये अच्छे से थोड़े पक टमाटर प्याज और काजू, तो तब उसके बाद मैं इसको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। तो मैं हमेशा ही ऐसे इसी तरीके से पनीर बनाती हूँ, कभी कभार ही मैं और तरीके से बनाती हूँ, ऐसे मुझे इसी तरीके से पसंद आता है। और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पक के तैयार हो गई टमाटर प्याज।
और आज घर के लिए एक न्यू सामान भी आ गया है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं थोड़ा सा मीठे में हलवा भी बना लेते हैं। तो वैसे भी मैं जैसे कुछ घर में नई चीज़ आती है तो कुछ मीठा बना लेती हूँ, तो मैं मीठे के लिए मैंने यहाँ पे हलवा बना लिया है। तो हलवा बन के यहाँ पे तैयार हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे छोटी सी कढ़ाई ले ली है, इस कढ़ाई में मैंने काजू बादाम और किशमिश भून ली अच्छे से। उसके बाद ये हलवा मैं इसी में मिक्स कर दूँगी, और क्योंकि मुझे ये कढ़ाई खाली करनी थी, इसमें मुझे पनीर बनाना था, तो मैंने इस दूसरी वाली कढ़ाई में सारा हलवा शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले अब पनीर तल लूँ। और आज मैं थोड़ा खाना जल्दी बना रही थी, और क्योंकि हस्बैंड जी ने बोला था कि एक दो लोग और होंगे इनके दोस्त खाना खाने के लिए, तो मैं फटाफट बना रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने हलवा बना के तैयार कर लिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे अब पनीर तल लूँगी। और पनीर के साथ में मटर वगैरह का यूज नहीं करूँगी, आलू वगैरह का, तो मैं ऐसी थोड़ी ग्रेवी बना के, टमाटर प्याज की ग्रेवी बना के और उसके बाद ही मैं इसमें तुड़का लगा दूँगी, क्योंकि मुझे इसी तरीके से ज़्यादा पसंद आता है। और वैसे भी आजकल मटर तो नहीं आ रहे, फ्रोजन मिलते हैं, फ्रोजन मुझे ज़्यादा अच्छे भी नहीं लगते। और यहाँ पर कढ़ाई में जो एक्स्ट्रा तेल रह गया था, तो मैं यहाँ पर एक दिन दूसरी कटोरी में शिफ्ट कर दूँगी, ये बाद में जब मुझे तुड़का वगैरह लगाना होगा तो उस टाइम काम आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ही तेल रख लिया इसमें, और उसके बाद ये तेल ऑलरेडी गरम था, तो मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, और ये जीरा अच्छे से गरम हो गया था। उसके बाद मैंने जो मसाला, जो ग्रेवी बना के रखी थी यहाँ पे टमाटर प्याज की, वो मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। तो इसमें ज़्यादा कुछ मसाले मैं मिक्स नहीं करूँगी, क्योंकि थोड़े बहुत ही मसाले डालते हैं मैं वैसे भी। और यहाँ पर मैं उसके बाद मैंने यहाँ पर हल्दी और नमक और गर्म मसाला और साथ में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया था। और इसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो मैं घर पे बना के रखती हूँ नमक, वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया था, पिसा हुआ नमक। और यहाँ पे मेरी रोटियाँ बनके भी तैयार हो गई है, और यहाँ पे मैंने गेहूँ और मंडुए की रोटी बना रखी है आज। और सर्दियों के लिए मैं गेहूँ का आटा और मंडुए का आटा मिक्स करके रख देती हूँ, उसके बाद ही रोटियाँ बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने तवा ऑलरेडी गर्म था, क्योंकि मैंने अभी रोटी बनाई, तो उसमें मैंने कसूरी मेथी डाल दी है थोड़ी सी, तो इसको मैं भून के और उसके बाद मैंने इसमें पनीर में मिक्स कर दी है कसूरी मेथी। और ये देखिए यहाँ पे पनीर बन के भी तैयार हो गया है। और लास्ट में मैंने यहाँ पे ताजी मलाई भी डाल दी थी, दूध की मलाई, और यहाँ पे साथ साथ मैंने मैगी मसाला भी मिक्स कर दिया था, क्योंकि इससे ना काफ़ी अच्छा स्वाद आ जाता है मैगी मसाला से, और साथ में जो ये मलाई डालते हैं उससे भी काफ़ी अच्छा स्वाद आ जाता है। और यहाँ पे अब खाना बनके तैयार हो गया है, और मैंने खाना प्लेटों में निकाल दिया है, और हलवा और साथ में पनीर और साथ में मैंने यहाँ अचार रख दिया, और मंडुए और गेहूँ के आटे की रोटी और साथ में पानी वगैरह मैंने सारा यहाँ पर रख दिया। और उसके बाद मैं अब खाना दे दूँगी सबको, और उसके बाद ही मैं लास्ट में खुद खाऊँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये अगले दिन सुबह की क्लिप है, और सुबह सुबह के टाइम में मैंने सबसे पहले यहाँ पे सब्जियाँ धो के रख दी है जो रात को हस्बैंड जी ने लाई थी। और यहाँ पे भिंडी वगैरह, पालक और लौकी, टमाटर और आलू और सेब और संतरा वगैरह जो भी लाए थे, सब्जी वगैरह, फल वगैरह, तो ये सारे मैंने धो के रख दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो फ्रिज में जार रखे हुए होते हैं, तो वही मैंने बाहर निकाल लिया एक जार, क्योंकि अब फ्रिज में मैं सब्जियाँ वगैरह नहीं रखती हूँ, तो मैं बाहर ही रख देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब वीडियो का एंड कर देती हूँ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब सुबह का टाइम हो गया है, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी सुबह की पूजा भी कर दी है।